हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने आगे देखा कि आज की हमारी वीडियो एडिटिंग कुछ इस तरह की होने वाली है। तो इस तरह के वीडियो को एडिट करना बहुत ही आसान है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नहीं आ ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इस तरह के इंस्टाग्राम पे चलने वाले सभी तरह के ट्रेंडिंग ट्विटर वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो आप इस वाले वीडियो को किसी भी ऐप में एडिट कर सकते हो, वीन एप्लीकेशन या कैपकट एप्लीकेशन, आप जो भी ऐप यूज करते हो आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं वीन एप्लीकेशन। तो वीन ऐप में आ जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे आपको टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है और आपको अपने कोई भी वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो को आपने शूट किया होगा। तो आपको वीडियो को कुछ इस तरह से शूट कर लोगे। तो आपको अपने वीडियो को ओपन करने के बाद आपको ये जो लास्ट में जो ब्लैक पार्ट है आपको उसे डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद ये जो प्लस वाला जो आइकॉन है आपको इस पर टैप करना है और आपको इस वाले वीडियो को ओपन कर लेना। ओके, तो आपको ये जो वीडियो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आपको इस वाले वीडियो को ओपन करने के बाद आपको सबसे आगे जाना है और यहाँ पे ये जो साउंड वाला जो आइकॉन है आपको इन दोनों साउंड को म्यूट कर लेना, ताकि हमारे वीडियो में कोई एक्स्ट्रा आवाज ना रुके। तो अब आपको इस साउंड वाले आइकन पर आपको टैप करना है, म्यूजिक पे टैप करना है, एक्शन पर वीडियो पे टैप करना है, ओके कर लेना है और आपको इस वाले वीडियो को ओपन कर लेना। ओके, तो आपको ये वाले वीडियो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अब आपको न्यू एल्बम पे टैप करना है, वापस न्यू एल्बम पे टैप करना है और आपको इस वाले ऑडियो को यूज करके ओपन कर लेना। ओके, तो अब इस ऑडियो पे आपको टैप करना है, बीट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको चले जाना 1.62। ओके, तो आपको 1.62 पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे बीट को ऐड कर लेना। ओके, तो बीट को ऐड करने के बाद आपको इसे डन कर लेना है। तो अब आपको ये जो बीच में ये जो प्लस वाला जो आइकॉन है आपको इस पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पर आ जाने के बाद आपको इस फाइट वाली एनिमेशन अप्लाई करके आपको इसके ड्यूरेशन को कर लेना है 0.4। ओके, तो अब आपको इसे डन कर लेना है। तो एनिमेशन को ऐड करने के बाद आपको इस वाले वीडियो पे ये जो हमारा जो वीडियो है आपको इस पर टैप करना है और आपको इसे प्रेस करके जहाँ तक हमारे वीडियो के वहाँ तक आपको इसे रख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा वीडियो एकदम पूरी तरह से एडिट हो चुका है। तो फिर चलिए हम वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। देखा आपने, हमारे वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से एडिट हो चुका है। तो अब आपको इस वाले वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।